हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। मैं अंजू पांडे, योर कुक्स चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बनाएंगे रवा उपमा। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। रवा उपमा बनाने के लिए हमने लिया है कटे हुए बारीक गाजर, हरे मटर, मूंगफली, सरसों दाना, नमक, हरी मिर्च, नींबू, बारीक कटे टमाटर, प्याज और आधी कटोरी के हिसाब से सूजी। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस के ऊपर हमने कढ़ाई चढ़ा रखी है। कढ़ाई हमारी गर्म है तो इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच के हिसाब से तेल। तेल हमारा गर्म है और रवा उपमा बनाने के लिए सबसे पहले हम मूंगफली तलेंगे। मूंगफली को हम 2-3 मिनट के लिए ही तलेंगे। हमारी मूंगफली रोस्ट हो चुकी है, इसे अब हम निकाल लेंगे। सबसे पहले डालेंगे हम 1 चम्मच राई, बारीक कटी हरी मिर्च, अब डालेंगे हम बारीक कटे हुए प्याज, कटे हुए गाजर, हरे मटर। क्रिस्पी होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब डालेंगे हम टमाटर, तीन चार मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। अब डालेंगे हम आधी छोटी चम्मच के हिसाब से हल्दी, इसे भी अच्छी तरह से मिलाएंगे। और अब मिलाएंगे हम आधी कटोरी सूजी। चार पाँच मिनट तक सूजी को भी हम अच्छी तरह से भुनने देंगे सारे मसालों के साथ। आँच हम धीमी ही रखेंगे, 3-4 मिनट तक हम इसे धीमी आँच में इसी तरह से चलाएंगे। एक चम्मच के हिसाब से हम नमक डाल देंगे। यहाँ पर हमने सूजी आधी कटोरी लिया है तो पानी हम 2 कटोरी के हिसाब से डाल देंगे। अब डालेंगे हम मूंगफली। ठीक होने तक हम इसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे, अच्छी तरह से चलाएंगे। इसी में हम डालेंगे आधा कटा हुआ नींबू का रस। नींबू के रस से हमारे रवा उपमा का स्वाद और भी बढ़ जाता है और भी लाजवाब हो जाता है। नींबू के रस को भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे हम थिक होने तक चलाएंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं और हमारा रवा उपमा भी थिक हो चुका है। हमारा रवा उपमा तैयार है, अब हम इसे गैस से नीचे उतार देंगे। रवा उपमा हमारा बनकर तैयार है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप भी अपने घर में बनाइए। थैंक यू।